हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको कॉलर बताने जा रही हूँ। बच्चों के स्वेटर में कॉलर कैसे बनाना है, तो देखिए मैंने ये बना रखा है। इस तरह से देखिए ऐसे आएगा, बच्चों के बहुत ही सुंदर लगते हैं स्वेटर। थोड़ा और लुक आ जाता है कॉलर लगाने से बच्चों के स्वेटर में। तो देखिए इस तरह से हम कॉलर लगाएंगे, तो मैं आपको कॉलर बनाना बताती हूँ। तो देखिए मैं इसमें 100 फंदे डालूँगी और सिंगल धागे से डालूँगी इस तरह से, क्योंकि हमें डबल पट्टी करनी है इसलिए सिंगल धागे से फंदे डालूँगी इस तरह से। इस तरह 100 फंदे डालकर बनाऊंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 100 फंदे डाल लिए हैं। अब मैं सीधा सीधा बुन के दिखाती हूँ। राइट साइड से सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनना है। तो इस तरह हमने 4 सिलाइयाँ बनानी हैं। इस तरह से सीधी उल्टी सीधी उल्टी बनाते हुए 4 सिलाइयाँ बनाऊंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। ये देखिए इधर से दिखा दूँ मैं आपको, 1 2 3 4। अब देखिए क्या करना है आगे। पहला फंदा सीधा बनाया, आगे धागा किया और फिर यहाँ पर हमने 2 का 1 किया इस तरह से, फिर आगे धागा किया, फिर 2 का 1 किया, फिर आगे धागा करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह हमें पूरी सिलाई बनानी है। देखिए पहले हम बढ़ा लेते हैं फंदा, फिर 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह फंदे हमारे वहीं के वहीं रहेंगे जितने हैं हमारे, बस यहाँ पर डिजाइन बन जाएगा इस तरह से। ये देखिए सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी सिलाई में रॉन्ग साइड से हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है इसको।
ये देखिए हमारी जाली बन गई है। अब इसको डबल करेंगे तो अच्छी किंगरी सी बन जाएगी। मैंने ये पहले भी बताया हुआ है डबल करना बॉर्डर कई तरह के से, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इसी तरह सीधी तरफ से सीधा उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए चार सिलाइयाँ बनाऊंगी, यानी कि इसके बराबर करना है, फिर आगे आपको जोड़ना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इधर भी हमारी चार सिलाइयाँ हो गई हैं, 1 2 3 4। अब मैं इसको फोल्ड करूंगी, इस तरह से डबल करूंगी तो हमारी ये किंगरी बन के आएगी। इस तरह से इसको हमने सिलना नहीं है, सिलाई से तो बहुत बेकार हो जाता है, हमने इसको इस तरह से जोड़ना है। इस तरह से पहले इस फंदे को लेना है और इस फंदे को यहाँ से लेना है। ये जो हमारी लाइन दिख रही है ना, इसी को हमने एक एक करके लेते जाना है और यहाँ पर 2 का 1 कर देना है। तो हमारे जितने फंदे हमने डाले थे हमारे यहाँ फंदे आ जाएंगे। ये देखिए, वैसे हम उधेड़ के भी बना सकते हैं, जैसे ये सिंगल धागा है तो इसको हमने यहाँ से एक एक करके निकालते जाना है, फंदे हमारे निकल आएंगे। मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं और ये आसान लगे तो आप इसको भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है, फिर मैं आगे कॉलर बनाने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए हमारी किंगरी बन गई है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पूरी हो गई है। ये देखिए कितने सुंदर ये किंगरी आई है। तो अब मैं आगे कॉलर बनाना बताती हूँ। अब यहाँ से हमने सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। इन सभी फंदों को हमने 3 जगह डिवाइड करना है, 18 18 इस साइड और 18 इस साइड रखने हैं, बाकी के बीच में रखने हैं। अभी मैं यहाँ तक बुन के ले जाऊँगी, 18 फंदे छोड़ के इतने फंदे हमने बनाने हैं। देखिए ये मैंने यहाँ तक बना लिया है, 18 फंदे छोड़ के 2 4 6 8 10 12 14 16 18 यहाँ से मैं टर्न करूँगी आगे धागा करके, इसको उल्टा उल्टा बुनती हुई जाऊँगी, पूरी सिलाई उल्टी बना लूँगी 18 फंदे छोड़ के। इधर भी हमने 18 फंदे छोड़ने हैं इस सिलाई में।
ये देखिए इधर भी हमने 18 फंदे छोड़ दिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से टर्न करके और इधर से एक फंदा लेकर हमने दो का एक करना है इस तरह से, और फिर पूरी सिलाई यहाँ तक उल्टी उल्टी बनानी है 18 फंदे तक छोड़ के। अब देखिए ये मैंने यहाँ तक बना लिया है, तो एक फंदा हमने ये इधर का छोड़ा हुआ है, 18 फंदे हमारे ये हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो अब मैं इसके साथ एक फंदा इस तरह दो का एक करूँगी और फिर यहाँ से टर्न करके पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाऊँगी, तो मतलब सीधी तरफ से ही दोनों साइड एक एक फंदा हमने घटाना है, इधर से भी और इधर से भी, एक ही साइड से, रॉन्ग साइड से नहीं लेना है। ये देखिए हमने बीच वाले सारे फंदे बुन लिए हैं, अब हम ये इधर यहाँ से ही टर्न करके और आगे धागा करके फिर हम यहाँ से एक फंदा लेंगे और यहाँ से दो का एक करेंगे इस तरह से, तो एक ही साइड से हमने करना है, मतलब दोनों रॉन्ग या राइट दोनों तरफ से नहीं करना है, सिर्फ राइट साइड से ही करना है। फिर यहाँ से पूरी सिलाई उल्टी बुनते हुए इधर भी हमने एक फंदा घटाना है और दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही हमें बुनना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हमने दो का एक करना है क्योंकि इसी सिलाई में हमने इधर किया था, तो इसी सिलाई में हमने इधर बनाना है इस तरह से और फिर यहाँ से टर्न करना है, फिर हमें उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है यहाँ से, तो इसी तरह हम सारे फंदे एंड तक हमने ऐसे ही बनाना है, एक एक फंदा लेते हुए सारे फंदे बनाने हैं, उसके बाद ही कॉलर की शेप आएगी। अब इधर से हमने फिर एक फंदा लेना है क्योंकि ये सीधी साइड है। फिर पूरी सिलाई उल्टी बनानी है, देखिए फ्रेंड्स हमारा कॉलर बनके तैयार हो गया है। ये देखना ये लास्ट एक फंदा और रह गया है, इसको पूरा करके फिर दिखाती हूँ। इसके बाद आप स्वेटर बना सकते हैं, गले की पट्टी बना के फिर आप इसको बना सकते हैं आगे, और अगर आपको स्वेटर बनाने के बाद अगर आपको लगे कि कॉलर लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं, उसको मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी।
कई बार होता है कि हम स्वेटर बना लेते हैं फिर बाद में याद आता है कि कॉलर बना लेते, अच्छा लगता है बच्चों का, तो आप बाद में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये लास्ट का फंदा धागा आगे करके फिर ये लास्ट का फंदा हमने ले लिया है और इसको पूरी सिलाई बुन के इधर का भी हमारा एक फंदा रहता है, तो इसको पूरा करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि हम कॉलर कैसा बनाएं। आप सीधे सीधे फंदों से भी बना सकते हैं और उल्टे फंदों का भी बना सकते हैं, जैसे ये बनाया हुआ है मैंने, आपको जैसा पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं, बुनाई भी डाल सकते हैं इसमें। कोई छोटी छोटी बुनाई का स्वेटर है अगर तो आप कॉलर में भी डाल सकते हैं। ये देखिए, लास्ट का फंदा हम इस तरह से दो का एक करेंगे, तो देखिए ये हमारा कॉलर बनके तैयार हो गया है। और देखिए ये मैंने कॉलर बनाने के बाद इस तरह से यहाँ पर बनाया हुआ है, ये मैंने छः छः फंदे दोनों तरफ बढ़ा लिए हैं। ये देखिए, ये बटन होल पट्टी है, ये बटन पट्टी है, और ये बीच बीच में हमने जाली जो डाली हुई है, जो फंदे बढ़ाने होते हैं, जो हमने बिना कॉलर के भी बना के आपको ये दिखाया हुआ है, ये कॉलर वाला बना रही हूँ मैं। तो इस तरह से आप स्वेटर आगे बना सकते हैं। अब इस यहाँ पर हमने इधर भी छः फंदे बढ़ाने हैं और इधर भी छः फंदे बढ़ाने हैं और स्वेटर आगे बनाना है। तो इसी तरह आप कॉलर बना के स्वेटर बना सकते हैं। और अगर स्वेटर बनाने के बाद आप कॉलर लगाना चाहते हैं तो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर आपको हमारा ये बनाने का तरीका पसंद आया हो या समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। और अगर हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।